नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने हमास को लिबरेशन ग्रुप यानी आजादी के लिए लड़ने वाला समूह बताया है, जो अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की की संसद में अपने तीखे भाषण में अर्दोगान ने कहा कि वो इसराइल के अपने दौरे को रद्द कर रहे हैं। अर्दोगान ने कहा कि उन्होंने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया था, लेकिन उसी नेतन्याहू ने तुर्की के भले की मंशा को अपमानित किया है। बता दें, पिछले महीने ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उनसे लगा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। अर्दोगान के ताज़ा बयान से आशंका है कि कहीं इसराइल में तुर्की को लेकर भारी आक्रोश पैदा न हो जाए। गजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में कम 6,546 लोग मारे गए हैं। वहीं गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गजा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से सेवा से बाहर हो गई है और पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि ब्रिटेन इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि ब्रिटिश नागरिक गजा से बाहर निकल सकें और घिरे क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंच सके। सुनक ने संसद में कहा, और हम मानते हैं ये सब होने के लिए एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, जिसके लिए निश्चित रूप से युद्ध विराम से अलग एक युद्ध विराम की जरूरत है। उनके कार्यालय ने बाद में बताया कि युद्ध विराम से केवल हमास को फायदा होगा। रॉयटर्स ने हिजबुल्ला के अलमनार टीवी के हवाले से खबर दी है कि लेबनान के हिजबुल्ला प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने फलस्तीनी लड़ाके गुटों हमास और इस्लामिक जिहाद के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। बैठक के बाद कहा गया कि उन्होंने आकलन किया है कि उनके गठबंधन को वास्तविक जीत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। अलमनार की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में हिजबुल्ला के सैयद हसन नसरल्लाह, हमास के उप प्रमुख साले अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख जियाद अल नखला शामिल थे। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों के सक्रिय होने की आशंका पहले ही भांप ली थी, इसलिए वो पिछले एक हफ्ते से ईरान को लगातार चेतावनी दे रहा था कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करे, वरना नतीजे घातक होंगे। ईरान ने भी इन बयानों का जवाब दिया, लेकिन हिजबुल्ला और हमास नेताओं की बैठक ने हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके पीछे एक विचार, एक त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन के लोग लंबे समय से इसराइली कब्जे वाले इलाकों में बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। इस बयान से इसराइल खासा तिलमिला गया है। हारेज अखबार का कहना है कि इसके बाद इजरायली मंत्रियों और नेसेट सदस्यों ने यूएन विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी। इसराइल ने यूएन महासचिव से कहा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद इसराइल के वित्त मंत्री एली कोहेन ने गुतारेस के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने दबाव बनाकर बंधक परिवारों के साथ यूएन महासचिव के साथ होने वाली बैठक भी रद्द करा दी। वहीं फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस्तीफे के इसराइल के आह्वान की निंदा करते हुए इसे अकारण हमला बताया है। यूएन से इसराइल की तिलमिलाहट के बीच इजरायली मीडिया से खबर आ रही है कि इसराइल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर देगा। यह खबर यूएन में इसराइल के राजदूत गिलाद अर्दान के हवाले से आई है। अर्दान ने आर्मी रेडियो को बताया, उनकी टिप्पणियों के कारण हम संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को वीजा जारी करने से इनकार कर देंगे। अर्दान ने कहा, हमने पहले ही मानवीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिक्स को वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली रक्षा बलों ने घोषणा की है कि वो गजा पर हमले के लिए तैयार हैं। IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेबी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। IDF प्रमुख ने कहा, कुछ रणनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से जमीनी हमले में देरी हो रही है, हर मिनट का इस्तेमाल सुधार करने में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना जमीनी हमले के सटीक समय पर चर्चा करने की प्रक्रिया में है, देश के शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उन्होंने ये बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका इसराइल से गजा में अपने ज़मीनी आक्रमण में देरी करने का आग्रह कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को 8 ज्ञापन दिए गए हैं। पहला ज्ञापन गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान को लेकर है। दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान को लेकर है। तीसरा ज्ञापन अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने और सेना के राजनीतिकरण को लेकर है। चौथा ज्ञापन मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ है। इसके अलावा 4 शिकायतें तेलंगाना को लेकर हैं। राहुल गांधी के साथ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने 2019 पुलवामा हमले के लिए सरकार की खामियों को जिम्मेदार ठहराया।
इस इंटरव्यू में उन्होंने यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, मैंने दो चैनलों को बताया कि ये हमारी गलती थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि इसे कहीं भी ना कहें। मुझे लगा कि मेरे बयानों से जांच पर असर पड़ सकता है, लेकिन कोई जांच ही नहीं हुई। इसका इस्तेमाल उस चुनाव के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर मलिक ने कहा, आप जम्मू कश्मीर को ज़बरदस्ती या सेना से ठीक नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों का दिल जीतकर आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस बातचीत को जारी करते हुए कहा है, क्या ये संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की है। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा किसान आंदोलन, MSP, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की है। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा, चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, मैं लिखकर ये दे रहा हूँ कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की सबसे मजबूत चीज़ बताई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के नेता ऐसे हैं कि उन्हें कुछ बनना ही बनना होता है, चाहे किसी कीमत पर हो। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल जी, आपकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि जो किसी के पास नहीं है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं बनना है। इससे सामने वाले खल्लास हो जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि बनना ही बनना है। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज़ादी के समय राजनीति एक कर्तव्य था, फिर प्रोफेशन हो गया और अब बिजनेस हो गया है। राहुल गांधी ने जब पुलवामा हमले को लेकर सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, पुलवामा हमले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने कर पाया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इनके बयान हैं कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत याद रखना। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि जब एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, मैं लड़कर वहां से निकला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार 25 अक्टूबर को राजस्थान के झुंझुनू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। यहां उन्होंने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब अगर राजस्थान में उनकी सरकार आती है तो राज्य के हर परिवार की महिला मुखिया को हर वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रुपए 2 या 3 किस्त में दिए जाएंगे। उन्होंने दूसरी बड़ी घोषणा ये की है कि उनकी सरकार दोबारा बनी तो राजस्थान के 1.5 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी इस कीमत पर 76 लाख परिवारों को ये मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का लिफाफा खोखला है। मैंने मोदी जी के लिफाफे की बात की थी तो उन्हें इसका काफ़ी बुरा लगा। ये बात सच होगी इसलिए उन्हें यह बात चुभ रही है। उन्होंने महिला आरक्षण देने का समय नहीं बताया, यानी मोदी जी का लिफाफा खाली है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही थी, लेकिन ये 10 साल बाद लागू होगा। वो जाति जनगणना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उनके वादे खोखले हैं। वहीं कांग्रेस सरकारें अपने सभी वादे लागू कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में मुंडरायना जिले की सुमावली सीट, नर्मदापुरम जिले की पिपरिया सीट, उज्जैन जिले की बड़नगर सीट और रतलाम जिले की जावरा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब नई संशोधित सूची के अनुसार सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। पिपरिया सीट से गुरुचरण खरे की जगह अब वीरेंद्र बेलवंशी चुनाव लड़ाए जाएंगे। बड़नगर सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल अब उम्मीदवार बनाए गए हैं। जावरा सीट से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए हैं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर कुपरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने बुधवार को UAPA मामले में 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। दोनों लोगों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी। दोनों लोगों को 10 अक्टूबर से ही न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया में तमाम अटकलबाजियां थीं, लेकिन बुधवार 25 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NI से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर 5 राज्यों के चुनाव के बाद बातचीत होगी। खड़गे के इस बयान से साफ हो गया है कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ही सीट शेयरिंग करने वाले हैं। 5 राज्यों में नवंबर में होने वाले चुनाव में कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। हालांकि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने MP और राजस्थान में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।